कोरोना काल के नियमों का उल्लंघन करने पर अब 8 दिनों की जेल के साथ 1,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। यह जानकारी एसपी चंबा अरुल कुमार ने दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने इससे निपटने के लिए कड़ाई से इसका पालन हो निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग कोरोना काल की स्थिति में हर समय जो लोग इसका उल्लंघन करते हैं उनका चालान तो करते ही रहते हैं, लेकिन आजकल इसको बढ़ाने की दोबारा से जरूरत पड़ी है। उन्होंने बताया कि जिस किसी ने मास्क नहीं पहना होगा तो उसका 1,000 रुपए तक का जुर्माना करेंगे। वहीं जो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए पाए जाते हैं तो उनका 5,000 तक का जुर्माना किया जा सकता है। इसकी अनुपालना हो इसके लिए जिले के सभी अधिकारियों को इसकी जानकारी भेज दी है। एसपी अरुल कुमार ने अन्य जानकारी देते हुए बताया कि कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानून की धारा 111 और 115 के तहत 8 दिनों तक कारावास का प्रावधान है और जुर्माने के तौर पर उस व्यक्ति के खिलाफ 5,000 का जुर्माना भी किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए हमारा पुलिस विभाग लोगों को जागरूक तो कर ही रहा है, बावजूद इसके फिर भी कोई व्यक्ति इसका उल्लंघन कर रहा हो जिससे औरों के संक्रमित होने का खतरा बढ़ता जा रहा हो तो उस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा ध्यान रहेगा। हिमाचल तेज खबर के लिए चंबा से ब्यूरो रिपोर्ट। जैसे ये जो हमारा हिमाचल प्रदेश पुलिस एक्ट के तहत हम जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वायलेशन का हम चलान अलग करते रहते हैं, तो आजकल दोबारा इसको और बढ़ाने के लिए ज़रूरत है, तो इसलिए हमने दोबारा ऑर्डर किया स्पेशल पुलिस एक्ट, जो बिना फेस मास्क जो पब्लिक स्पेस में घूम रहा है उनका मिनिमम चलान होगा 1,000 रुपये और जो सोशल डिस्टेंसिंग का वायलेशन होगा उनका होगा 5,000 जुर्माना होगा। और हमने सारे पुलिस ऑफिसर्स अप टू रैंक सब इंस्पेक्टर तक इसको इस पावर दिया सभी को। एज पर सेक्शन 111 और 115 के तहत इम्प्रिजनमेंट अप टू 8 डेज है और इसके अलावा और फाइन अप टू 5,000। हम एक तरफ हम जागरूक तो कर रहे हैं, एक तरफ हम फर्स्ट टाइम मना वार्निंग भी देते हैं, फिर भी वो नहीं मानेंगे, बिल्कुल वो जबरदस्त वो नहीं पहन रहा है जिसके कारण से और दूसरा को भी इस समय संक्रमित होने के ना संभावना है, तो उसी व्यक्ति को हम ज़्यादा हमारा फोकस है।